जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे जान निसार ड्रामा सीरियल की फिफ्थ एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। भाई वाह, क्या सीन है। और जो है वो एक्टिंग तो चले नॉर्मल ही थी, लेकिन जो मैसेज दिया गया है, जिस बात से जो है फिफ्थ एपिसोड को स्टार्ट किया गया है, वो ना सिर्फ सुनने वाली है, बल्कि सुन के और उस पर जो है वो शदीद ज़रूरत है कि उस पर जो है वो भरपूर तरीके से अमल भी किया जाए। लास्ट सीन हमने देखा था फोर्थ एपिसोड का, जहाँ पे एंड हुई थी कि एक लड़के का और एक बुज़ुर्ग का मामला आया था। लड़का जो है बुज़ुर्ग की बेटी से शादी करना चाहता था, उस लड़के ने जो है वो गज़नवी से भी बदतमीज़ी की, तो गज़नवी जो है वो उसके ऊपर पिस्तौल तान के खड़ा हुआ था और वो लड़का जो है वो नीचे गिरा हुआ था। अब गज़नवी उसको मारने ही लगा था कि वो जो लड़की जिससे वो लड़का जो है वो शादी करना चाहता था, वो लड़की आ जाती है और आके कहती है जी कि साईं इसे मत मारें, और मेरा अब्बा जो है वो झूठ बोल रहा है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अब जो लड़की का अब्बा था, वो लड़की को ही उल्टा जो है वो बोलना शुरू कर देता है और गज़नवी को कहता है कि ये लड़का जो है वो कोई भी काम वाम नहीं करता, तो इस वजह से मैं अपनी बेटी की शादी इससे नहीं कर सकता। फिर गज़नवी कहता है कि अगर मैं इसको मतलब ये कोई काम वगैरह करना शुरू कर दे तो क्या तुम अपनी बेटी की शादी इससे कर दोगे? तो कहता है कि साईं मैं कर तो दूंगा, लेकिन मसला ये है कि ये सारी ज़िंदगी कमाएगा नहीं। फिर गज़नवी उस लड़के से पूछता है कि तुम कोई काम नहीं करते? तो वो कहता है मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे जैसे मिलेगा तो मैं कर लूँगा। फिर जनाब जो गज़नवी साहब थे वो उसको जो जॉब ऑफ़र करते हैं कि कल जो है वो तुम हवेली आ जाना, जाफ़र तुम्हें सारे जो भी काम है वो समझा देगा। और फिर लड़की के वालिद को कहता है कि ये देखो ये अब जो है बरसर रोज़गार हो गया, तो अब तुम अपनी बेटी की शादी जो है वो आराम से इससे जो है वो कर दो। अब यहाँ पे जो है ना गज़नवी ने बड़ी ही कोई खूबसूरत बात की है, और वो यही कहता है कि जो बेटियाँ होती हैं उनकी शादी वहाँ करनी चाहिए जहाँ उनका दिल होता है। बहुत ही ज़्यादा ये देख लें कि खूबसूरत बात, एक छोटा सा मैटर जो है वो उसको लेके और बहुत ही एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है सबको। देखें, एक वो रिश्ता कि जिसमें दो लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, फिर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। शादी का मामला एक ऐसा मामला है कि जिसमें जो है वो जिनकी शादी होनी है उसकी रज़ामंदी, उनकी जो है वो रज़ामंदी सबसे पहले होनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो है वो बाद में होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बाकी सारी चीज़ें पहले हैं, और ये जो रज़ामंदी वाली बात है इसको तो कोई ऐसे वो कहते हैं कि किसी अजाब की माने जो है वो करार दिया गया ना कि जी ये नहीं काम करना और बाकी सारे काम पहले कर लेने हैं। तो खुदा रहा ऐसा ना करें, हमें जो है वो कुछ तो जो है वो बदलना चाहिए और बाशऊर होना चाहिए। इसके बाद जो है फराज़ की अम्मा और उसकी बहन जो है वो बैठ के, और दुआ की जो बड़ी बहन होती है उसकी जो वो तारीफ़ें कर रही होती है अपने घर में कि जी बहुत खूबसूरत लड़की है और जी इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, हयादार और तमीज़दार। अच्छा, अब यहाँ पे जो गुफ्तगु होती है ना, ये सीन भी जो है वो देखने वाला और सुनने वाला है। पहले मतलब एक पहला सीन जो है बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद ही दूसरा सीन जो है वो उससे ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो सोशल इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब दूसरे सीन में क्या होता है कि फराज़ भी जो है वो आ जाता है, तो वो आगे पूछता है जी किसकी तारीफ़ें हो रही हैं, तो फिर उसकी बहनों से बताते हैं कि जी भाभी की तारीफ़ें हो रही हैं, हम उसको देखें और बहुत प्यारी है ये वो। तो कहता है कि एमी कही जा रही हो या वाकई प्यारी है? तो फिर वो बहन जो फराज़ को उसकी तस्वीर दिखाती है, फराज़ का जो वो मुँह बन जाता है, ऐसी बात है क्योंकि उसने जो वो दुआ से मिट मिट की हुई है। इतने में फराज़ साहब का जो है वो अब्बा जी भी जो है वो एंट्री मारते हैं, जो पिछले चार एपिसोड से सिर्फ जो है उनका नाम ही सुन रहे थे, लेकिन फाइनली फिफ्थ एपिसोड में हमें देखने को मिल गया कि फराज़ के अब्बा जो है वो कौन है। अब्बा भी वहीं पे आके जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, तो अम्मा फिर जो है बताती हैं कि हाँ जी हम लड़की देख रहे हैं, उनको अपने घर आने की जो है वो दावत भी दे दी है। तो अब्बा जी बड़े खुश होते हैं, लेकिन फराज़ जो है वो फराज़ की कॉल आ जाती है और वो बहाना करके जो है कि फाहद की कॉल है, वो उठ के जो है वहाँ से चला जाता है। तो अब्बा कहते हैं फराज़ कुछ मुझे ना खास खुश नज़र नहीं आ रहा, तो अम्मा कहते हैं कि शायद वो ना मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं है, तो मैं उससे बात करूँगी। उसके बाद अब्बा जी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि वो उससे कहते हैं फराज़ की अम्मा से कि तुमने जो है वो बात की थी कि हमें जहेज़ वगैरह नहीं चाहिए। तो अम्मा बड़ी अच्छी बात करती हैं कि देखिए जी वो मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, और दूसरा ये कि अपनी बेटी को वो जो भी देना चाहे वो उनकी मर्ज़ी है, बाकी हम कोई डिमांड नहीं करेंगे। तो अब्बा कहते हैं कि ठीक है जी, जैसे वो मतलब हमारे घर आएंगे तो मैं खुद उनसे ये बात क्लियर कर दूंगा ना कि हमें कोई जहेज़ वगैरह जो है वो नहीं चाहिए। यहाँ पर ना बड़ी ही खूबसूरत बातें होती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो डायलॉग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी हकीकत वाली बातें हैं, अगर इन पर कोई अमल करे तो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाएँ। तो फिर अब्बा जी कहते हैं कि ना ये जहेज़ की जो है फजूल रसूमात हैं, और अगर ये ख़त्म हो जाएं तो मतलब लड़कियां जो है वो सुकून से जो है उनकी शादी हो और अपने घरों पे बैठी बैठी इंतज़ार में जो है वो बूढ़ी ना हो जाए। तो बहुत ही जो है वो खूबसूरत बातें थी, यहाँ पे आप भी सुन लीजिएगा। इसके बाद दिखाते हैं कि दुआ की जो अम्मा होती है वो उसके अब्बा को जो है बता देती है कि जी उन्हें जो है वो फिज़ा जो है वो जो दुआ की बड़ी बहन है वो पसंद आ गई है। तो अब्बा जी बड़े खुश होते हैं। तो फिर अब्बा जी आगे से अपनी वही टिपिकल जो वो शर्त शरात रख रहे होते हैं कि जी हमारी बेटी जो मर्दों के सामने नहीं जाएगी। तो फिर अम्मा बताती है कि उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, और फिर अब्बा कहते हैं कि
वो मतलब इस तरह से वक्त कुछ और दिया था और आ किसी और टाइम पे गए तो कितनी गलत बात है, तो अम्मा फिर उसकी वजह देती हैं। फिर अब्बा कहते हैं जी जुमे का दिन ठीक रहेगा तो, और टाइम भी असर का होगा, उन्हें बता देना कि हम टाइम से पहले नहीं आएंगे और हम जो है वो टाइम पर आने के पाबंद हैं। इसके बाद जो है वो फराज के घर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पर फराज का अब्बा हिसाब किताब कर रहे होते हैं, उससे कहते हैं कि जो उस दिन वो आदमी आया था उसने जो पैसे दिए थे वो मुझे दे दूँ। तो फराज जो वजीब से 5000 निकाल के यानी कि 5000 निकाल के अपने अब्बा को पकड़ा देते हैं। तो अब्बा कहते हैं कि लो जी कितनी गलत बयानी की उसने, वो मुझे कह रहा था कि 25000 दिए हैं और तुम मुझे 5000 दे रहे हो, मैं अभी फ़ोन करके जो उससे पूछता हूँ। फराज की अम्मा भी इतने में आ जाती हैं। फिर फराज कहता है कि अब्बा जी फ़ोन ना कीजिएगा, उन्होंने मुझे 25000 दिए थे लेकिन बाकी के 20 जो 20000 हैं वो जो है वो बाइक ख़राब हो गई थी, उसका इंजन और आगे एक काम से काम जो निकलता गया तो उस पर लग गया। तो अब्बा बड़ा हैरान होते हैं, गुस्से होते हैं कि 20000 जो है वो काम मतलब बाइक के ऊपर लगा दिए। तो वही एक जो मतलब एक एवरेज घरानों में जिन्होंने हर हिसाब को और हलाल की कमाई है उसको देख के जो है वो इस्तेमाल करना है, तो उन्हें तो फिर ये है ना हार्ट अटैक आने वाली बात होती है कि लो जी इतने पैसे एकदम से खर्च कर दिए हैं। खैर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अपने अब्बा को गुस्सा होके और जो है वो चला जाता है। मतलब अब्बा जी कहते हैं कि देखो तुम जो हो वो इसके सर पर सेरा सजाने कर रहे हो और ये जो है वो ना कोई कमाते हैं ना कुछ, और तो अभी भी वक्त है, सोच लो किसी और की बेटी को जो है बर्बाद करना है इसके साथ जो उसकी शादी करके। तो खैर वो गुस्से होकर चला जाता है कि हाँ जी मैं मतलब कि नहीं करना चाहता शादी और जो है वो कर लूँगा कोई भी काम जब मुझे जो है वो करना होगा, मुझे शादी की जो है वो कोई जल्दी नहीं है। तो अम्मा जो है वो एज़ यूजुअल जी बेटो बड़े बेटे जो हैं वो बड़े प्यारे होते हैं और बेटे का जो वो साथ दे रही होती है कि जी वो कह तो रहे कि हाँ जी उसके पैसे लग गए तो उससे वाली क्या बात है। तो अब्बा जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए 20000 कोई बात ही नहीं है। तो खैर इस तरह से बातें होती हैं और फिर ये सीन भी जो है वो चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि नौशेरवा जो है वो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, अकेला होता है वो और उससे जो है वो ख्याल आ रहा होता है वही कि वो जो लड़की थी उस बुज़ुर्ग की बेटी जो है वो, तो आके कहती है कि अगर मारना है तो हम दोनों को मार दे साईं और इस तरह से जो है वो हम दोनों मोहब्बत करते हैं। फिर उसको जो है वो इस ख्याल के बाद जो है वो गजनवी को जो है ख्याल आता है फरा का। फरा वो लड़की है जिससे नौशेरवा जो है वो शादी करना चाहता था लेकिन फिर जो है वो भाभी से निकाह होने की वजह से उसकी जो है वो शादी उससे नहीं हो सकी थी। अब ख्याल जब आता है तो वो दिखाते हैं कि नौशेरवा और वो लड़की जो है बैठी होती है फरा, तो अब वो जो है वो रो पीट रही होती है और वो उसको कह रही होती है कि तुम जो है वैसा कैसे कर सकते हो और तुमने जो है वो इस तरह से शादी कर ली और तुम तो कहते थे मेरे लिए सब कुछ कर जाओगे। तो नौशेरवा उसको वजह देता है कि मुझे नहीं पता था कि भाभी की इद्दत खत्म होने के बाद मुझे हवेली इसलिए बुलाया जा रहा है कि मेरा जो है उनसे निकाह मतलब करवा दिया जाएगा और मेहमान भी इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से मैं बाबा की इज्जत जो है वो दाव पर नहीं लगा सका। और उसको तसली देता है कि मैं बात करूँगा, तुम जो है वो टेंशन ना लो, मैं बाबा से बात करूँगा। तो फिर वो मतलब अच्छी बातें करती है वहाँ पर कि देखो पहले नहीं बात कर सके तो अब क्या बात करोगे और मैं तुम्हें जो वो शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ और जो रास्ते हैं वो तुमने खुद जो है वो अलग किए हैं। बड़ी दुख और तकलीफ़ और बड़ा ही रियलिस्टिक किस्म का सीन जो है ना यहाँ पे करवाया गया है। उसके बाद नौशेरवा उसे रोकता चाहे वो रह जाता है कि मेरी बात सुनो लेकिन वो जो है उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। बाद आता है दुआ का और फराज का सीन। अल्लाह माफ़ करे लास्ट टाइम भी जब भी दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे क्या टिपिकल चीज़ें थी, मतलब वो रियलिस्टिक है ए टू जी, मतलब कि वो इतनी हकीकत वाली बातें हैं ना और देख देख के बंदे को शर्म आ रही होती है यार वर्दा हेल। इसके मतलब अब जो सीन है उसमें भी जो है वो दोनों बातें करते हैं और इंतहाई वो कोई अखीर लेवल की बातें होती है ना कि बंदा सुन सुन कहता है या अल्लाह बंद कर दें सीन। फराज जो दुआ होती है वो फराज को बताती है कि जी मैंने इसलिए कॉल बंद कर दी थी, मैंने उस टाइम पे इसलिए बहाना किया था क्योंकि अम्मा ने फ़ोन देख लिया था। तो फराज कहता है मैं भी समझ गया था तो इस वजह से जो मैंने भी दोबारा जो वो कॉल नहीं की। फिर फराज कहता है कि अभी जो है मतलब कि तुम जो है वो इसकी हिफाजत करना मोबाइल फ़ोन की और इसको बचा के रखना। वो कहती है मुझ पर छोड़ दें चीज़ें और फिर उसे पूछती है कि आप सोए क्यों नहीं, आपने खाया क्या, आपने पिया क्या, वो ब्ला 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 यही टिपिकल और नॉर्मल बातें जो उनकी चलती रहती हैं। इसके बाद होती है दुआ और रीदा मैडम की यूनिवर्सिटी मुलाकात। रीदा जब दुआ के पास फ़ोन देखती है तो बड़ा उसको जो है वो एडमायर करते हैं, बड़ी कहती है कि जी फहद तो बहुत ज़्यादा कंजूस था, उसने तो 3 माह में सिर्फ एक गिफ्ट दिया और वो भी बहुत फजूल था और इसने जो है वो पहले उसमें जो है तुम्हें फ़ोन गिफ्ट कर दिया। तो दुआ कहती है कि देख लो मैंने तुम्हें कहा था कि फराज ऐसा नहीं है, तो कहती बस रहने दो सब ऐसे ही होते हैं ना। फिर दुआ कहती है कि रीदा क्या तुम मुझे लग रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद जो वो थोड़ी बदमिजाज नहीं हो गई हो, तो वो कहती शायद मुझे नहीं पता ना। तो वो देख उसको गुस्सा भी थोड़ा बहुत आता है रीदा को लेकिन जो है वो उसको जो है वो कह रही होती है कि अच्छा जी फराज ने तुम्हारे लिए ये किया है। फिर वो उससे पूछती है कि शादी के बारे में उसने क्या कहा है, तो वो आगे से बताती है जी वही जो हर कोई जो है वो ये टिपिकल बातें करता है कि जी उसने कहा जी कि अगर वो सिर्फ मुझसे ही करेगा और अगर उसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई तो तब भी जो है वो किसी की नहीं सुनेगा और वो जो है वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। उसके बाद फिर दुआ जो है वो रीदा से कहती है कि मुझे जो है इस सेलफ़ोन की सारी फंक्शनिंग जो है वो सिखा दो। तो फिर रीदा बताती है कि तमाम सेलफोन्स की सेटिंग जो वो सेम ही होती है, तो अभी स्टार्ट है तो तुम्हें मुश्किल होगी लेकिन ऐसे ऐसे जब यूज़ करोगे तो तुम्हें जो है वो इसको यूज़ करना आ जाएगा।
इसके बाद आते हैं कुछ रैंडम सीन्स जिसमें ये दुआ की चलाकी होती है और गजनवी का एटीट्यूड। अब दुआ की चलाकी क्या थी कि जैसे वो यूनिवर्सिटी से आती है तो अम्मा कहती है जी अपनी बैग की तलाशी दो और मोबाइल वापस कर दिया कि नहीं कर दिया, तो दुआ कहती है अम्मा आपको यकीन है अपनी बेटी पर और मैंने जो मोबाइल वापस कर दिया। खैर अम्मा कहती जी सारा बैग जो है वो अम्मा जो है वो देखती है, तो फिर मोबाइल उसमें होता तो मिलता, तो फिर कहते हैं कि अब आपको यकीन आ गया अपनी बेटी पर। तो फिर अम्मा बड़ी अच्छी बात करती है कि बेटियों की जो माँ होती है उसको जो वो यकीन भी आँखें खोल के करना पड़ता है। तो अम्मा कह के चली जाती हैं कि मैं खाना लगा रही हूँ तो तुम जो है वो आ जाओ। जब अम्मा चली जाती है तो दुआ मैडम जो उसने जहाँ पे फ़ोन छुपाया होता है वहाँ से निकाल के और जी शुक्र अदा कर रही थी कि बच गया है फ़ोन। अच्छा मतलब ना ये बड़ी अजीब सी बात है कि पता सारा होता है क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो नेचर हो गई है या एक जो वो इतना तंग माहौल जो है वो उससे निजात हासिल करने के लिए ना कोई ज़रिया और सोर्स जो है ना वो दरकार होता है। तो खैर कोई एक फैक्टर नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है वो सही या गलत रास्ते का जो है ना वो इंतखाब बनती हैं। दूसरी तरफ जो है वो नौशेरवा बैठा हुआ होता है, रेडी होता है वो, तो मेड आगे बताती है कि जी आपके लिए जो है वो छोटी बीबी साई ने जो वो खाना बनाया आपकी पसंद का, तो आप आके खा ले। तो बीबी साहबा जो है वो टेरेस पे खड़ी होती है, तो जैसे नौशेरवा उसको देखता है तो उस मेड को कह देता है कि जाके उनसे बोल दे कि मैं सरपंच के साथ जो हूँ इन्वाइटेड हूँ और उसके साथ ही जो मैंने खाना खाना है, तो शुक्रिया खाना बनाने के लिए और जो है वो मेरा इंतज़ार ना करे और अपना जो है वो खाना खा ले, ही कह के जो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो है दुआ अपने रूम में होती है तो उसकी छोटी बहन कहती है कि काश अम्मा अब्बा हमें भी साथ में ले जाते और हम दूल्हा भाई को जो है वो देख लेते। तो जो दुआ आती है वो कहती है कि अगर अब्बा ने तुम्हारी ये बात सुन ली होती ना तो तुम्हें जो है वो जूते लगाते। उसके बाद जो है वो छोटी बहन कहती है कि वैसे दूल्हा भाई हैं बड़े हैंडसम। फिर दुआ कहती है मुझे कौन सा तुम लोगों ने पिक्चर दिखाई है। इधर में दुआ अपनी किताबें समेट के और बैग समेट के जो है वो छत पर जाने लगती है तो बड़ी बहन आ जाती है फिज़ा, तो वो उसे कहती है कि छत पर क्या करने जा रही हो, तो बताती है जी मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। तो फिर जो है वो फिज़ा कहती है कि तुम्हें पता है शाम होने वाली है और अब्बा जी आएंगे तो फिर जो है वो गुस्सा करेंगे। तो फिर दुआ कहती है कि ठीक है जी, कहती वैसे तो मुझे लगता है कि शायद अम्मा और अब्बा को जो है ना मैं सिरे से नापसंद हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी सगी औलाद ही नहीं हूँ। खैर दोनों की यहाँ पे आपस में जो है वो काफ़ी बातें होती हैं। उसके बाद फिर दुआ कहती है कि ठीक है अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं पीछे वाले सीन में जाके पढ़ सकती हूँ। तो फिर उसकी बहन जो फिज़ा होती है वो कहती है हाँ जी ठीक है तुम वहाँ जाके जो पढ़ लो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो इनके दुआ के अम्मा अब्बा है वो फराज़ के घर पर बैठे होते हैं और फराज़ सामने बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पर जो बातें डिस्कस हो रही होती हैं तो फिर जो फराज़ का अब्बा होता है वो कहते हैं जी कि हम जो है वो बल्कि उसकी जो अम्मा होती है फराज़ की वो कहती है हम शादी जल्दी करना चाह रहे हैं तकरीबन एक महीने बाद। तो फिर वो दुआ के अम्मा पापा कहते हैं जी इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी। तो फिर फराज़ का अब्बा जो है वो कहते हैं कि देखिए जहेज़ वगैरह हमें चाहिए नहीं और जो है वो जो भी ज़रूरी सामान कपड़े होंगे तो वो अपने ले आएगी बस। तो अब्बा के तो जो है वो मतलब सारे अरमान ही पूरे हो गए, चले जी जहेज़ वाली बात से तो जान छुटी ना, तो बड़े जो है वो खुश होते हैं बात सुनकर। फराज ऐसे ही बैठा होता है मुँह लटका के। उसके बाद जो है दुआ जो है बार बार जो है फराज़ को कॉल कर रही होती है। फराज़ जो है वो जो कि अपने घर में उसके दुआ के अम्मा अब्बा के सामने बैठा होता है, तो अब्बा कहते हैं कि बेटा किसकी कॉल आ रही है बार बार तुम कट कर रहे हो। तो बताते हैं जी कुछ नहीं मेरे फ्रेंड की कॉल है, उसे पता था कि भाई आज आप लोग आ रहे हैं मैंने बताया था, तो इस वजह से वो जो है वो कॉल कर रहे हैं। अब फराज़ साहब मतलब एकदम यहाँ पर चीज़ें इतनी रियलिस्टिक कर दी ना कि हकीकत में ही ऐसा होता है, मतलब वो मामले को बढ़ाई जा रहा है बढ़ाई जा रहा है। भाई तुम बात ही पहले ख़त्म कर दो क्लियर बात करके अपने घर वालों से, नहीं दो कश्तियों का सवार है, उसने दुआ को भी रखना है और उसने जो अपने घर वालों को भी देखना है, और चुप करके बैठा हुआ है ठीक है जी वो उनके सामने पेश भी हो गया और सारा सब कुछ चीज़ें चलती जा रही हैं और वो बंदा बैठा जो है वो सिर्फ देख रहा है तमाशा, पता नहीं क्या चल क्या रहा है इसके जहन में। बंदा एक साइड का फैसला ले लिया अल्लाह खैर सलाह, लेकिन नहीं जी वो दो कश्तियों का जो वो सवार हो रहा है। इसके बाद जो है वो डेट तय करने की बात करते हैं कि जी डेट फिक्स करते हैं शादी की, और ये सभी जो है वो बैठे हुए मिल बैठे मतलब बैठ के जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि नौशेरवा जो है अपने अम्मा अब्बा और जो है वो अपनी जो वाइफ होती है इनकी जो पहले उसकी भाभी थी उसके साथ बैठा हुआ होता है। फिर जी वो अम्मा अब्बा कहते हैं जी कल तुमने जो पंचायत में फैसला किया है बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। तो अब्बा कहते हैं अब तुम जो है वो हवेली संभालने के काबिल हो गए तो तुम संभाल सकते हो। तो नौशेरवा कहते हैं कि जी नहीं मैं जो हूँ वो शहर के मामला थी मुझे देखने हैं, तो आप यहाँ पे हैं संभालने के लिए तो आप यहाँ पे संभालें। उसके बाद जो है वो अम्मा कहती हैं कि बेटा चाहे जो भी हो तुमने आना तो इधर ही है, मतलब उसकी भाभी की तरफ देख के जो उसकी वाइफ है। तो उसके बाद अब्बा कह के अब्बा साई जो है ये कह के उठ जाते हैं कि चले जी खाना लगवा दे खाना खाते हैं। तो फिर जो है वो जो नौशेरवा की बीवी है वो भी चली जाती है और अब्बा साई भी चले जाते हैं, पीछे रह जाती है अम्मा जान। फिर अम्मा जान उसको समझाती है कि देखो तुम वो उसने खाना नहीं खाया और इतने प्यार से बनाया ये वो, तो तुम उसका ख्याल रखा किया रखा करो बातें किया करो ब्ला 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 ब्ला। फिर नौशेरवा कहता है कि उसने शिकायत किया, तो अम्मा कहती नहीं शिकायत नहीं की लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ देखती हूँ उसकी आँखों से सब जो है वो जाहिर हो जाता है। खैर उसके बाद नौशेरवा जो है उठ के चला जाता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और मुझे ना आराम करने दें। तो उसके बाद जो नौशेरवा जो वहाँ से उठ के चला जाता है।
इसके बाद जो है वो एपिसोड 5th का जो है वो आता है एंडिंग सीन, लास्ट सीन और रिटाई सीन। होता क्या है, नौशेर में जैसे ही रूम से उठ के बाहर आता है तो स्टेयर्स के पास जी वो बेगम साहबा खड़ी होती हैं और बेगम साहबा कहती है जी कि भूखी हूँ मैं, खाना नहीं खाया मैंने। तो फिर जो है वो नौशेर में कहता है कि हाँ मुझे पता चला अम्मा साई से और तुमने शिकायत की है, मतलब आपने शिकायत की है। तो वो कहती है कि नहीं मैंने शिकायत तो नहीं की थी। फिर जो वो बड़ी मतलब कि उससे बहस करती है और अपना हक जताती है कि मैं आपकी बीवी हूँ और ये है और वो है। फिर नौशेर वो बड़ी अच्छी बात करते कहते सिर्फ जो है हमारा कागज़ी रिश्ता है और मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानता जिसमें दो लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो रख दिया जाए, और मैं इस रिश्ते को जो वो मानता ही नहीं हूँ, तस्लीम नहीं करता हूँ। उसके बाद मैडम साहबा, मैडम ढिटाई मैं तो इनको कहूँगी, जो बेगम साहबा होती है वो कहती है जी कि देखें आप जो कि इतने इंसाफ पसंद बनते हैं, आपकी इतनी रेपुटेशन है और सब रिस्पेक्ट करते हैं, अगर क्या हो कि अगर उन्हें पता चले कि आप अपने ही घर में जो है वो अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे रहे, ना इंसाफ़ी कर रहे हैं, तो सोचिए आपके क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो नौशेरवा तो फिर आगे से नौशेरवा गजनवी है, तो वो आगे से फिर उसे कहते हैं कि क्या चाहती हैं आप, क्या मैं हवेली आना ही छोड़ दूँ। कहते हैं ऐसा कैसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप। तो फिर वो कहते हैं कि जी मैं मतलब कि सब कुछ कर सकता हूँ, और आइंदा के बाद अगर आपने ये बात कि आप किसी को बताएंगी या वो करेंगी तो उससे पहले जो ये जो कागज़ी रिश्ता है ना तो इससे भी जो महरूम हो जाएंगी। तो बड़े ज़बरदस्त नौशेरवा के आगे से जवाब और बड़ा ही ज़्यादा ज़बरदस्त ढीठ जो है वो बेगम साहिबा की तरफ से है। तो यहाँ पे जो है 5th एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। तो अब जो है वो आप लोग भी ये एपिसोड देखिएगा, जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी राय हो, जो अच्छी बात हो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।